अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि सुरभि अपनी कार क्लब के पार्किंग एरिया में पार्क करके क्लब के एंट्री गेट पर खड़े गार्ड को अपने बैग से एक वीआईपी कार्ड निकलकर दिखाती है जो कि एक गोल्डन वीआईपी कार्ड था। उसे देखने के बाद वो गार्ड उसको अंदर जाने देता है। सुरभि उस क्लब के अंदर एंटर करती है। वो क्लब लोगों से भरा हुआ था। इस क्लब काफी महंगा होने के बाद भी वहां पर बेहद सारे लोग हर दिन आते थे। सुरभि उस क्लब में एंटर करके सीधा उस क्लब में बने प्राइवेट रूम के अंदर चली जाती है। प्राइवेट रूम में एंटर करते ही उस रूम में बैठे हुए 5 लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वहां पर 2 लड़कियां थी और 2 लड़के जो कि देखने से और उनके पहनावे से ही अमीर फैमिली के लगते थे। प्राइवेट रूम का डोर ओपन होते ही सबकी नजर उस तरफ जाती है कहां से सुरभि एंटर करती है। सुरभि को देखते ही सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उन सबके बीच सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा लड़का तो बस सुरभि को ही एक तक देखे जा रहा था। अब आगे सुरभि उस रूम में आने के बाद उन सबको ही कहती है और अपनी फ्रेंड नेहा के पास बैठ जाती है। इस रूम में बैठे वो 4 लोग सुरभि के पहचान के थी पर सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ लड़का उसके लिए अनजान था। सुरभि अपनी फ्रेंड नेहा और उसके बाकी के फ्रेंड्स यानी कि विनय नेहा का बॉयफ्रेंड जो कि एक रिच फैमिली से बिलीव करता था उसके डैड की होटल की एक चैन थी जो कि अच्छी खासी चल रही थी। वही श्रुति जो कि सुरभि और नेहा की अच्छी फ्रेंड थी वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके डैड एक बिजनेसमैन थे। वही अखिल जो उसको बॉयफ्रेंड था वो भी काफी ज्यादा रिच था। कहा जाए तो वहां बैठे सभी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। सुरभि उन 4 लोगों को अच्छे तरह से जानती थी पर सिंगल सोफे वो बैठे लड़के को वो जानती नहीं थी, इसलिए वो उसके तरफ एक नजर देखती है फिर अपने फ्रेंड्स की तरफ। उसकी आंखों में उस लड़के के बारे में सवाल देखकर नेहा का बॉयफ्रेंड विनय उससे कहता है, सुरभि इससे मिलो, पार्थ जैन मेरा फ्रेंड्स आज ही लंदन से आया है, अब ये हमारे साथ ही आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने वाला है। सुरभि पार्थ की तरफ देखकर एक स्माइल पास कर उसे हेलो कहती है तो पार्थ भी उसे से हेलो कहता है। थोड़ी ही देर में सुरभि पार्थ के साथ काफी गुल मिल जाती है। वो 6 जन आपस में बातें करते करते ड्रिंक्स कर रहे थे। तीनों लड़कियों ने काफी सारी ड्रिंक्स की थी जिस वजह से अब उन तीनों को संभालने की जिम्मेदारी उन तीनों लड़कों की थी। ऐसे हालात में अब वो घर तो नहीं जा सकते थे इसलिए वो तीनों क्लब के पास वाले होटल में 3 रूम बुक कर के वहां चले जाते हैं। वो होटल विनय के ही डैड का था इसलिए उनको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। नेहा विनय के साथ एक रूम में चली गई। अखिल और श्रुति एक रूम में और सुरभि जो की पूरी नशे में टूल थी वो अनाया और मित्तल परिवार को न ढूंढ पाने की वजह से या यू कहे उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन न मिलने के कारण बेहद ही परेशान थी। इसी में वो काफी सारी ड्रिंक पी लेती है जिससे अब उसकी हालत खराब थी। पार्थ सुरभि को संभलते हुए रूम में लाता है और उसे बेड पर लिटाकर रूम का डोर बंद करने जाता है। वो डोर बंद करके पीछे पलटता है कि उसे अपने सामने सुरभि देखती है जो कि अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रही थी। सुरभि पार्थ के पास आके उसके गले बमाए अपना हाथ डालकर उसके गालों से अपने गालों रब करने लगती है। सुरभि के इस एक्शन से पार्थ को अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वैसे ही सुरभि को देखते ही वो उसे पसंद आ गई थी। वो कैसे भी करके उसे पाना चाहता था और अभी सुरभि खुद से ही उसके पास आ रही थी इसलिए अब उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। सुरभि अपने गालों को उसके गालों से हटाकर उसके चेहरे के करीब जाकर उसके आंखों में अपनी नशीली आंखों से देखती हुए कहती है, तुम बेहद हैंडसम हो, तुमको पता है। इतना कहकर वो हंसने लगती है और फिर कहती है, तुमको कैसे पता होगा, मैं बता रही हूँ ना, तुम बेहद हैंडसम हो। इतना कहकर सुरभि पार्थ के होठों पर अपनी उंगली फिरते हुए कहती है, और तुमको पता है ये तुम्हारे होठ है ना, इनको देखकर मुझे इनको किस करने का दिल करता है। पार्थ तो बस सुरभि के चेहरे को एक तक देखकर उसकी बातें सुन रहा था। सुरभि ने जब उसके होठों पर हाथ रखा
तो उसके शरीर में एक अजीब सी ही सिहरन हो रही थी। उसे अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो आगे बढ़कर सुरभि को किस करने ही वाला था कि उससे उथली ही सुरभि अपने होठों को पार्थ के होठों पर रखकर उसे विल्डली किस करने लगती है। सुरभि को किस करता देख पार्थ भी अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे रख देता है और दूसरे हाथ उसके पीठ पर फिराने लगता है। सुरभि को पैशनेटली किस करने लगता है। वही सुरभि जब पार्थ को खुद को किस करता देखती है तो उसके होठों पर एक शरीर मुस्कान खिल जाती है। सुरभि की शराब की टॉलरेंस काफी हाई थी। उसे शराब पीने से ज्यादा नशा नहीं होता। वो तो अभी बस पार्थ के सामने नशे में होने का नाटक कर रही थी। उसने रूम में एंटर होते ही पार्थ को अपनी तरफ देखते हुए देखा था। वो अच्छे तरह से समझ गई थी पार्थ उसको पसंद करता है। पहले तो उसे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जब उसको पता चला पार्थ के डैड की कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से एक है और पार्थ आगे चलकर उनको हैंडल करना वाला था, इसलिए उसे पार्थ में इंटरेस्ट आने लगा। वैसे कहा जाए तो उसे उसमें नहीं उसके पैसे से प्यार था। सुरभि पार्थ को पूरी तरह से अपने प्यार में पागल करना चाहती थी। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को बेहद ही पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 39 मिनट एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद दोनों एक दूसरे अलग हो जाते हैं और खुद की बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने लगते हैं। पार्थ सुरभि को कमरे से पकड़कर अपने आप से सटा देता है और उसके गले पर किस करने लगता है। उसके ऐसा करते ही सुरभि के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। उसे यही चाहिए था। वो जानती थी उसे बस पार्थ को किस करना है, बाकी का काम तो वो खुद ब खुद करने वाला था। सुरभि बस आज अपने आप को ट्रेस फ्री करने के लिए किसी के फिजिकल होना चाहती थी। पार्थ सुरभि के गले को किस करते करते उसके कोलोरबोन तक आ गया था। सुरभि के हाथ पार्थ के बालों में चल रहे थे जिससे पार्थ एक्साइटेड हो रहा था। पार्थ सुरभि के कॉलर पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था जिससे सुरभि की हल्की सी चीख निकलती है। जिस सुन पार्थ सुरभि को और भी पैशनेटली किस और बाइट कर रहा था। जिस सुरभि की आहें उस रूम में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ही बेड पर एक चादर में लिपटे हुए थे। दोनों के ही होठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन दोनों के ही कपड़े उस रूम में बिखरे हुए पड़े थे। उस रूम में दोनों के ही तेज सांसों की और सुरभि के सिसकियों की आवाज आ रही थी। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने में मशगूल हो गए थे। वही कोई था जो उन दोनों की सारी हरकतें अपने कैमरा में कैद कर रहा था। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, इसलिए वो इंसान वहां से चला जाता है। किसी को इस बारे में खबर भी नहीं होती। वही बाकी के दो रूम में श्रुति और अखिल भी एक दूसरे को प्यार करने में डूब गए थे। यही कुछ हाल नेहा और विनय का भी था। वही दूसरी तरफ नदीनी, उसका पति विनय और बेटा आज कहीं बाहर जा रहे थे। तभी उनके कार के सामने अचानक एक ट्रक आता है जिसे देखकर कार चला रहा विनय गाड़ी साइड में करने लगता है, पर दूसरा ट्रक उनकी कार को पीछे से थोक देता है जिससे उसका कार से कंट्रोल छूट जाता है और कार पलट जाती है। तीनों को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी। वो तीनों ही कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके आगे की ट्रक उनकी कार को पीछे से थोक देती है और वहां से चली जाती है। पीछे वाली ट्रक इस कार को पीछे से धक्का देते हुए पास के ब्रिज से नीचे ढकेल देती है। नदीनी, उसका पति और उसका बेटा जिस कार में था, वो कार नीचे बड़ी सी गहरी नदी में गिर जाती है। ट्रक के टक्कर के कारण अब उन तीनों की हालत बेहद गंभीर थे और अभी कार पानी में गिरने से अब तीनों का ही बचना मुश्किल नजर आ रहा था। वो दोनों ही ट्रक कार के पानी में डूबते ही वहां से चले जाते हैं। उन ट्रक में बैठे हुए इंसान अच्छे तरह से जानता था कि आज पानी का बहाव काफी तेज है। अगर वो तीनों उनके टक्कर से बच भी जाते तो भी पानी में गिरने से अब उनका बचाना नामुमकिन था। उन ट्रक में से एक ईशान, जिसने अपने आप को सर से लेके पांव तक काले कपड़ों में ढका हुआ था, वो अपनी आंखों से एक तक उस नदी को देख रहा था जहां अभी अभी वो कार डूबी थी, जिसमें नदीनी, उसका बेटा और पति था। वो उस तरफ देख
कर कहता है, देख नदीनी, ले लिया मैंने अपना बदला, तुम्हारी छुपकर पीछे से वार करने की फितरत थी ना, तो मैंने भी ठीक वैसे ही तुमको मौत के दर्शन करा दिए, वो भी पूरे परिवार के साथ, ताकि फिर कोई तुम्हारे मौत का बदला लेने ना आ जाए, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। रूम इतनी बदकिस्मत हो कि तुमको ये भी नहीं पता चला कि तुमको आखिर मारा तो मारा किसी ने, पर कोई ना, अब ऊपर जाके तुमको सब पता चल ही जाना है, गुड बाय। इतना कहकर वो आदमी वहां से अपने साथी के साथ चला जाता है। जाते समय उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। वैसे भी वो रोड सुनसान था जहां पर रात के समय ज्यादा लोग नहीं आते थे। आज विनय ने ही जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता अपनाया था और इसमें उन तीनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वही दूसरी तरफ विक्रांत राजावत, इस वक्त राजावत विला में था, उसके सामने उसकी प्यारी बेटी आरुषि बैठी थी, जो कि किसी बात पर उससे नाराज थी और वो अपनी प्यारी बेटी को मना रहा था और लगभग उसने उसे मना ही लिया था। तभी उसके फोन पर जॉन का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है, उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर विक्रांत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वही उसके पास बैठी उसको बेटी आरुषि अच्छे से अपने डैड के चेहरे के बदलते और बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रही थी। आरुषि अपने डैड के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके डैड इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहे थे, तो वो अपने डैड के हाथ पर हाथ रखकर उनको शांत करने की कोशिश करती है। विक्रांत राजावत का गुस्सा कुछ कम हो जाता है। वो फोन रखकर अपनी बेटी आरुषि के बालों को सहलाते हुए उससे कहते हैं, प्रिंसेस, डैड को कुछ काम है, बेहद जरूरी है, डैड को अभी जाना होगा। अपने डैड की बात सुनकर आरुषि अपने सर पर रखा उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी तरफ देखकर कहती है, ठीक है डैड, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। विक्रांत राजावत आरुषि के मेट पर किस करके वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाती ही उसके बेटी आरुषि खुद से ही कहती है, कौन है जिसके कारण डैड इतना परेशान दिख रहे थे और किसी ने उनके रास्ते में आने की हिम्मत की जिससे मेरे डैड को गुस्सा आ गया, वो जो कोई भी हो। उसने आरुषि राजावत के डैड से पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब उसको इस आरुषि से सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर आरुषि डेविल स्माइल करने लगती है। वो अपना फोन पर अपने आदमी को कॉल कर कहती है, राका पता लगाओ, दिन है वो जिसके कारण डैड को मुझे अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा, जो मेरे डैड से पंगा ले रहा है, मुझे सुबह तक उसकी सारी कुंडली अपने सामने चाहिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर अपने रूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ विक्रांत राजावत राजावत विला से सीधा जॉन के सीक्रेट बेस पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो जॉन के सामने पड़ी शराब की बोतल उठाकर अपने मुंह पर लगाते हुए कहता है, जॉन, अब कौन सा हमारा नया दुश्मन पैदा हो गया है जिसने हमसे पंगा लेने की कोशिश की है। एक तो पहले से ही वो मित्तल परिवार किस बिल में जाके बैठा है, पता नहीं उनका कुछ भी पता चल नहीं रहा है, और ऊपर से अब ये साला कौन है जिसने हमारे सारे ड्रग्स को कर लिया, वो भी हमारे नाक के नीचे। उस ड्रग्स की कीमत कोई मामूली नहीं थी, वो पूरे ड्रग्स 100 करोड़ के थे। जॉन, जो उसकी बात सुन रहा था, वो उठकर उसके पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, रिलैक्स राजावत, जल्द ही उसके बारे में सब पता चल जाएगा, जिसने हमसे पंगा ले लिया है, फिर उसको बताएंगे कि हमसे पंगा लेने का हमारे रास्ते में आने का क्या नतीजा होता है। इतना कहकर वो राजावत की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंसने लगता है, जिसमें राजावत भी उसका साथ दे रहा था। दोनों ही इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। वही दूसरी तरफ लंदन में एक 30 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर, जहां पर किसी समाधान की तरफ शांति थी, जहां पर बस तेज चल रही हवाओं की आवाज आ रही थी, उसी ट्रेस पर जहां बेहद शांति थी, वहां पर कुछ ही समय में जूते की आवाज आने लगी थी। कुछ ही समय में उस बिल्डिंग के छत पर बने हुए एक रूम के अंदर एक चेयर पर एक आदमी किसी राजा की तरह बैठा था। अंडर होने के कारण उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। उस पूरे छत पर ब्लैक वाली के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड का पहरा था और उस रूम के अंदर भी उस आदमी के पूछे
सिक्स बॉडीगार्ड खड़े थे उसी रूम में उस राजा की तरह बैठे हुए आदमी के आगे एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, वो बस उसके नीचे ही रोशनी दे रहा था। उस रोशनी के आगे फोर आदमी अपने घुटनों पर बैठे थे, उनके पीछे सिक्स बॉडीगार्ड खड़े थे। घुटनों पर बैठे फोर लोग बेहद जख्मी हो गए थे, उनको हालत काफी खराब थी। उनको देखकर ऐसा लगा रहा था उनको काफी टॉर्चर किया गया हो, उनके शरीर से खून निकल रहा था, कहीं पर तो अब खून सूख भी चुका था। वो चारों लोग अपने सामने अंधेरे में राजा की तरह बैठे हुए आदमी की जो थोड़ी सी परछाई दिख रही थी उसे देखकर ही डर से मारे कांप रहे थे। वो चारों अपने सामने की चेयर पर राजा की तरह बैठे हुए इंसान को अच्छे तरह से पहचानते हो। उन चारों को एक नजर देखकर उस चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा इंसान अपनी कोल्ड आवाज में अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट आरव को कुछ इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा समझकर आरव आगे जाके उन चारों को अपनी कोल्ड नजरों से देखता है और उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स फेंकते हुए कहता है, इसका क्या जवाब दोगे आप सब? उसकी कोल्ड आवाज और उनके सामने फेंके हुए उनके कारनामों को देखकर उनकी जान हलक में आ जाती है। उनमें से एक जन डरते हुए कहता है, बॉस हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई हमें फंसा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया बॉस। उसके साथ बाकी सब भी उसके बाद मेहा में अपना सर हिला रहे थे, तभी उन चारों के कान में चेयर पर बैठे हुए इंसान की कड़क और डरावनी आवाज आ जाती है जो उनसे कह रहा था, तो तुमोगी के सामने पड़े ये सारे सबूत झूठे है और तुम लोगों के मुताबिक तुम लोगों को कोई फंसा रहा है। उसकी कड़क और डरावनी आवाज सुनकर उन चारों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई और चारों ही अपने डर पर कभी करते हुए अपना सरहा में हिलाते हैं। उनके ऐसे करने से चेयर पर बैठा हुआ इंसान अपने हाथ में गन पकड़े हुए उन चारों के सामने आकर खड़ा होता है और उन चारों के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने हाथ में अपनी गन को घुमाते हुए अपनी कड़क डरावनी और खतरनाक आवाज में अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाके उन फोर लोगों से कहता है, तो तुम लोगों को क्या लगता है मुझे यानी कि अयान सिंघानिया को कोई गलत खबर देगा या मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम चारों मेरे ही नाक के नीचे से मेरी ही कमेंट के सीक्रेट चुरा कर मेरी राइवल कंपनी को चंद पैसों के लालच में बेच रहे हो और न्यूज़ बारे में पता ही नहीं चलेगा और ऊपर से खुद के खिलाफ सारे सबूत होने पर भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोग इसे साफ झूठा कह रहे हो, इसका मतलब तुम चारों बड़े ही मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो, है ना? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलो। इतना कहकर अयान उन चारों के आगे आकर रुकता है और उनको अपनी तीखी नजरों से घूरने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उसके चेहरे को देखकर एक बार को तो उसके पास खड़ा उसका असिस्टेंट और उसके पीछे खड़े अयान के बॉडीगार्ड भी डर गए थे, क्योंकि वो अच्छे से अपने बॉस को जानते थे। उनके बॉस के चेहरे को देखकर वो लोग समझ गए थे कि अभी उनके सामने घुटनों पर बैठे इन चार गद्दारों की खैर नहीं थी। वही अयान सिंघानिया यानी कि अपने बॉस की बातें सुनकर वो चारों अंदर तक हिल गए। अब उनकी बेहद डर लग रहा था। वो चारों ही अयान के पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। उन्हें से एक कहता है, बॉस प्लीज एक ही गलती समझकर हम माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हम आपसे कभी गद्दारी नहीं करेंगे, हम सब आगे से आपके लिए लॉयल रहेंगे, प्लीज 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 बॉस इस बार माफ कर दो। इतना कहकर उसके साथ वो थ्री लोग भी अयान को खुद को मारने के लिए भीख मांग रहे थे, पर उनको ऐसे अपने सामने गिड़गिड़ाते देख अयान को उन्होंने रीति बर की भी दया नहीं आई और न ही उसके बॉडीगार्ड और उसके असिस्टेंट आरव को, क्योंकि वो लोग अपने सामने घुटनों पर खड़े इन चार लोगों के चेहरे पर की चालाकी आसानी से देख सकते थे। इसलिए उन सबको उन चारों से दया नहीं बल्कि उनसे गिन आ रही थी जो खुद के ही नमक के साथ गद्दारी कर रहे थे। अयान जो काफी देर से उन चारों की बातें सुनकर चूर गया था, वो उनसे कहता है, माफ कर दूहा कैसे तुम चारों के विजय से मुझे 200 करोड़ का मुस्कान हुआ है, उसका क्या हा, तुम लोगों को पता नहीं क्या अयाना सिगानिया ही एक बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और तुम लोगों के रहे हो मैं तुम
लोगों को माफ कर दूं ऐसे ही और की के रहे थे तुम चारों की आगे से ऐसा कभी नहीं होगा है ना। उसके बात पर वो चारों ही अपना थूक निगल कर अपना सर हमें हिलाते हुए उनमें से एक कहता है बॉस बस एक खरी मौका दे दो आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी बात पर अयान उसको डेविल स्माइल पास करके कहता है तुम लोगों को पता नहीं क्या अयान सिगानिया किसी को दूसरा मौका नहीं देता और अपने साथ धोखा देने वाले को तो सीधा ऊपर पहुंचा देता है। उसकी बात सुनकर वो तीनों पसीने से नहाने लगते हैं। वो बेहद डरे हुए थे, वो अयान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे पर अयान को उन पर रति भर भी दया नहीं आई। अयान बिना अपनी पलके झपकाए लगातार तीन गोलियां चलता है जो कि उन चारों में से तीनों के सर से बीचों बीच लगती है और वो तीनों ही वही ढेर होते हैं उनकी सांसें थम चुकी थी। वही उन चारों में से जो बचा था वो अपने साथियों को अपने सामने मारता देखकर उसकी एक तेज चिक निकल जाती है। साथ में वो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। वो अपनी आंखों में डर लिए हुए अपने सामने खड़े अपने शैतान जैसे बॉस को देख रहा था जो कि उसी की तरफ देखकर डेविल स्माइल कर रहा था और साथ में अपनी गन को साफ कर रहा था। अयान उसकी तरफ देखकर उससे कहता है तुम यही सोच रहे होंगे न तुमको जिंदा क्यों छोड़ा है तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ जिससे मेरा वक्त जो बेहद कीमती है वो बच जाएगा। इतना कहकर अयान एक बार अपने सामने घुटनों पर बैठे हुए उस गद्दार की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर शैतानी हंसी को बरकरार रखते हुए उससे अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कौन है जिसके कहने पर तुमने ये सब किया। तुम चारों के पास इतना दिमाग नहीं है को तुम लोग ये सब कर सकते हो क्योंकि मेरे नाक के नीचे से सीक्रेट चुराना कोई आम बात नहीं है, जल्दी अपना मुंह खोलो। उसकी बात सुनकर वो आदमी डरते हुए उससे कहता है बॉस हम उसके बारे में कुछ पता नहीं, हमारी उससे सिर्फ फोन पर बातें होती थी और काम होने के बाद पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता था, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसने इतना ही कहा था कि एक गोली उसके सर को बीचों बीच चीरते हुए चली गई और वो आदमी इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अयान अपने बॉडीगार्ड को सब साफ करने को कहता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद अपने पॉकेट से फोन निकलकर वो किसी को कॉल करता है और उसे उन सब के पीछे किसका हाथ है पता लगाने को कहकर वहां से सीधा अपने लंदन के विला चला जाता है। व्हाइट मैंशन सुबह के 6 बजे। अनाया इस वक्त अपने सीक्रेट रूम के नीचे बने हुए और एक सीक्रेट रूम के अंदर थी। उसके सामने वही इंसान था जो कि कोमा में था। 3 साल हो गए थे अनाया को उस इंसान का इलाज करते पर अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। अनाया आज उस इंसान के बेड के बगल में रखे हुए स्टूल पर बैठकर उस इंसान का हाथ अपने हाथ में लेके उसके चेहरे को एक तक देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरा एक्सप्रेशन लेस था जिससे वो क्या सोच रही है ये बता पाना मुश्किल था। उस बेड पर लेटे इंसान के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। अब उस इंसान के चेहरे से हाइट पटिया जो 3 साल पहले लगी थी वो सारी हट गई थी। अब उस इंसान का चेहरा आसानी से देखा जा सकता था। वो एक औरत थी, उसकी उम्र यूं ही कहीं 45 साल होगी। दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, उसका चेहरा अनाया के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। उस औरत के चेहरा पर तेज नहीं था, पीला पड़ हुआ था। वो 3 साल से कोमा में थी, उनकी चोट तो बढ़ गई थी पर वो एक गहरी नींद में चली गई थी जहां से वो कब वापस आएगी किसी को पता नहीं था। अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे वो कौन है, अभी भी नहीं समझे तो चलो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन है। वो और कोई नहीं बल्कि राशि मित्तल थी, हर्षवर्धन जी की वाइफ और अनाया और आयुष की मॉम। मित्तल परिवार और अनाया के लिए भी वो मर चुकी थी पर जब 3 साल पहले जब अनाया अमेरिका जाने वाली थी उसी से एक दिन पहले उसको राशि मित्तल जख्मी हालत में मिली थी। अनाया अपने मॉम के चेहरे को देखते हुए फ्लैशबैक में चली गई अमेरिका आने की। ठीक एक दिन पहले अनाया किसी इम्पोर्टेंट काम से रात को मित्तल मेंशन से बाहर जा रही थी। इस वक्त उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, बस उसका वफादार ड्राइवर उसके साथ था जो कि एक वेल ट्रेन बॉडीगार्ड भी था जो अपना वेश बदल कर हमेशा उसके साथ ही रहता था।
वो दोनों ही कहीं जा रहे थे तभी उनकी कार के आगे एक औरत आती है जो कि किसी से भाग रही थी। उसका चेहरा था ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो जिस तरह से पीछे पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि कोई उस औरत के पूछे लगा है। वो औरत अचानक अनाया के कार के आगे आ जाती है। वो तो अच्छा हुआ कार की स्पीड कम थी और अनाया के ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ने वक्त रहते ब्रेक दबा दिया जिससे उस औरत को कुछ हुआ नहीं, पर अचानक खुद को कार के इतने करीब देख वो औरत डर के मारे वही बेहोश हो गई। अनाया और उसका बॉडीगार्ड जब कार से उतर के उस औरत के पास जाके उसको चेक करने लगते हैं तो उनको पता चलता है ये डर के कारण बेहोश हो गई है, पर साथ में उनके पूरे शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान देखकर उनको उस लेडी के लिए बेहद बुरा लगा। अनाया जल्द से अपने ड्राइवर को इनको अपनी कार में बैठने को कहती है और कार हॉस्पिटल की तरफ लेने को कहती है जिससे इनका इलाज हो सके। ड्राइवर कार को नजदीक के हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। कार की पीछे वाली सीट पर अनाया उस औरत का सर अपने गोद में लिए बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उस औरत से बेहद ही अपनेपन की फीलिंग आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था वो ये समझ ही नहीं पा रही थी। उस औरत के चेहरे पर चोटें होने के कारण वो उनका चेहरा भी साफ से नहीं देख पा रही थी, पर उनके शरीर के घावों को देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। कुछ ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। वो हॉस्पिटल मित्तल परिवार का ही था इसलिए अनाया ने पहले ही हॉस्पिटल में फोन करके सारी तैयारी करके रखने को कहा था। उनकी कार के रुकते ही उन्हीं का वेट कर रहे हॉस्पिटल का स्टाफ जल्दी से आगे आके अनाया के साथ में आई उस लेडी को स्ट्रेचर पर बिठाकर हॉस्पिटल के अंदर के जाते हैं। उनको एक वीआईपी कमरे में एडमिट किया जाता है। साथ में उस हॉस्पिटल के वेस्ट डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। उस लेडी के सारे चोटों को अच्छे से ट्रीट किया गया था। साथ में उनको इस वक्त ड्रिप लगी थी। उनकी कंडीशन नॉर्मल थी। डॉक्टर जब उस लेडी को ट्रीट करके बाहर आते हैं तो उनको अपने सामने अनाया दिखती है क्योंकि उस रूम के बाहर ये से यह परेशानी में गुम रही थी। वो बेहद ही बेचैन थी। डॉक्टर को देखकर अनाया जल्दी से उनके पास चली जाती है और उनको उस लेडी के बैरक में पूछती है तो डॉक्टर अनाया से कहते हैं मिस मित्तल वो एकदम ठीक है, अभी उनको ड्रिप लगा दिया है और दवाई के असर से वो अभी गहरी नींद में है। उसके साथ ही डॉक्टर अनाया को अपने केबिन में बुलाते हैं उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने। अनाया जब डॉक्टर के केबिन में जाती है तो वो डॉक्टर जो कि इस हॉस्पिटल के दिन थे वो उसको बैठने को कहते हैं। उसके बाद वो उसको पूछते हैं मिस मित्तल आपको ये औरत कहाँ से मिली। उनके इस सवाल पर अनाया उनकी तरफ एक नजर देखकर उनको सब बता देती है कि उनको वो औरत कहाँ पर कैसी हालत मैं मिली थी। उसकी बात सुनने के बाद इस हॉस्पिटल के दिन यानी कि अनाया के सामने बैठे डॉक्टर शर्मा अनाया से कहते हैं देखिए मिस मित्तल मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ कि ये जो लेडी आपके कार के आगे आई थी जिनका हमने अभी इलाज किया उनको कई महीनों से या यूं कहे कि सालों से टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाया है जिस वजह से वो बेहद कमजोर है और साथ में उनके अंदर खून की भी कमी है और उनकी हालत देखकर और उनके घावों को देखकर साफ पता चल रहा है उनको कुछ ही समय पहले या यूं कहे कि 6 से 7 घंटे पहले बेहद टॉर्चर किया गया है। उनके पूरी बॉडी पर चोटों के निशान है और साथ में कहीं जख्म तो बेहद गहरे है और साथ में कहीं घाव पुराने लग रहे थे। अभी तो हमने उनको अच्छे से ट्रीट कर लिया है पर अगर ऐसा उनके साथ आगे हुआ तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो बेहद ही कमजोर है। अनाया डॉक्टर शर्मा की बातें बेहद ही ध्यान से सुन रही थी। उनकी पूरी बात सुनने के बाद वो थोड़ी देर उनसे बात करती है। उसके बाद उनको की कुछ समझकर उनके केबिन से बाहर आती है। वो अब मित्तल मेंशन के लिए निकलने ही वाली थी क्योंकि उसके डैड को पता चल गया था कि वो इस वक्त मेंशन में नहीं है इसलिए वो उसके लिए परेशान हो रहे थे और उसको कॉल पर कॉल किए जा रहे थे इसलिए अनाया उनको वो जल्द ही घर आ जाएगी ऐसा कहती है।
जाने से पहले वो एक बार उस औरत से मिलना चाहती थी, इसलिए वो उनके वार्ड की तरफ बात गई। तभी उसे उस वार्ड में से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे वो जल्द से उस रूम का डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देख के वो जल्द से कार्ड हरकत में आती है। अंदर दो लोग नर्स के वेश में इस औरत को मारने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक कामयाब भी हो रहे थे। अनाया जल्द से उन दोनों को उससे दूर करती है और उन दोनों को पीटने लगती है। उस रूम में उसका ड्राइवर भी आता है, जो कि कुछ मेडिसिन लेने गया था। वो जब अपनी मैडम को लड़ते देखता है तो वो भी जल्दी से दवाई साइड में रखकर उन दोनों को पकड़ लेता है और अपने आदमियों को कॉल करके इन दोनों को उनके साथ अपने सीक्रेट बेस पर भेज देता है। वही डॉक्टर जल्दी से आकर उनको चेक करते हैं और अनाया के सामने आकर कहते हैं, सॉरी मिस मित्तल, वो अब नहीं रही। उनको ड्रिप के द्वारा उनने पॉइजन दे दिया है, जो कि उनके पूरी बॉडी में फैल चुका है। वो पॉइजन कोई मामूली पॉइजन नहीं, बल्कि बेहद ही खतरनाक पॉइजन है, जिससे पेशेंट की 10 मिनट से भी कम वक्त में मौत हो जाती है। उनकी सांस अब थम चुकी है। अनाया ने जब ये सुना तो वो अपनी जगह पर जम से गई। उसकी सांस जैसे थम से गई थी, साथ में उससे निकलत कब उसके आंखों से आंसू बहने लगे, इस बात को उसको पता नहीं चला। डॉक्टर वहां से जा चुके थे। उस रूम में बस बेड पर लेटी हुई वो औरत और अनाया ही थी। कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ आकर उस औरत को वहां से मुर्दा घर में के जाने लगे। तभी उनका हाथ अनाया के हाथ को छू गया, जिससे अनाया होश में आई। उससे इस औरत से एक अनजान सा एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। पर उसके मन में क्या आया पता नहीं। वो उन हॉस्पिटल के स्टाफ को रोजा उस औरत को अपने साथ के वहां से चली गई। उस औरत को अपने स्क्रैट बेस पर ले जाके वो खुद किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के जैसे उनको ट्रीट कर रही थी। आप सोच रहे होंगे वो तो मर चुकी थी, फिर उसका इलाज अनाया कैसे कर सकती है। तो आपको मैं बता दूं, जब अनाया को उस औरत को वहां से के जा रहा था, तब उनका हाथ अनाया के हाथ से छू गया था। तब उसको पता चला कि वो अभी तक मरी नहीं गई, वो जिंदा है। अनाया के पास एक खास तरह की शक्ति थी, जिससे किसी भी इशान को हाथ लगाते ही उस इंसान के बारे में उसको सब कुछ पता चलता था। ये शक्ति उसको अपनी रिबर्थ के साथ मिली थी। अनाया को जब उनके जिंदा होने के बारे में पता चला तो उनको अपने सीक्रेट बेस पर लेकर आकर उनका इलाज करने लगी थी। अनाया ने अपने पिछले जन्म में डॉक्टर की पढ़ाई की थी, जिससे वो उनका इलाज आसानी से कर रही थी। कुछ ही समय बाद उसने उनके शरीर से उस पॉइजन को पूरी तरह से निकल दिया था, पर उस पॉइजन बेहद खतरनाक था, जिस वजह से उनके सर की कुछ नसें डैमेज हो गई थी, जिस वजह से वो गहरी नींद में चली गई थी, यानी कि कोमा में। अनाया उनको अपने साथ में ही अमेरिका के आई थी, बिना किसी को खबर लगे, ये तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं पता था। आगे हम देखेंगे कि अनाया को कैसे पता चला कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है, जिसे वो सब मरा हुआ समझ रहे है, वो जिंदा है। अनाया जब उस लेडी को अपने साथ लेके आई थी, तब उसको ये नहीं पता था कि वो उसकी मॉम है, क्योंकि उनके पूरे चेहरे पर चोटों के निशान थे, जिससे उनका चेहरा देखना मुश्किल था। पर उसको उनसे एक अलग सा लगाव था। उसे उस औरत से अपना कुछ करीबी रिश्ता लगता था। वो क्या, ये तो अभी उसको नहीं पता था, पर उस औरत के कोमा से आने के बाद पता चलने वाला था। अनाया उनको व्हाइट मैंशन में अपने आस रूम के अंदर बने हुए सीक्रेट रूम में रखती गई, जहां पर उसने पहले ही उस रूम को एक हॉस्पिटल रूम में कन्वर्ट कर दिया था, जहां पर हॉस्पिटल में मौजूद हर एक इक्विपमेंट था, वो भी सारे न्यू और मॉडर्न थे। अनाया को पूरे 1 महीने के बाद जब उसने उनका चेहरा देखा, तब पता चला कि उस बेड पर गहरी नींद में लेती हुई औरत, जिसे उसने गुंडों से बचाया था, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की मॉम थी। उसको पहले तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मित्तल परिवार के लिए राशि जी 15 साल पहले ही अनाया को बर्थ देने के बाद इस दुनिया से चली गई थी। उसके डैड ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था, इसलिए उसे लगा ये औरत उसकी मॉम नहीं हो सकती। उसकी मॉम से इनकी शक्ल मिलती है बस और कुछ नहीं। पर उसको जो इनसे अपनेपन का एहसास हो रहा था, वो क्या था,
वो इस बात की खातिरी करने के लिए कि उसने जिस औरत की जान बचाई थी वो उसकी मॉम नहीं है, वो डीएनए टेस्ट करवा लेती है। जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम ही जाती है होश। मैं आके बार बार उस रिपोर्ट को पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि डीएनए 99.9% मैच हो रहा था, जिसका यही मतलब था बेड पर लेटी हुई औरत जो कि ढेर सारे इक्विपमेंट से गिरी हुई थी, जो एक गहरी नींद में थी, उससे कब जागेगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है जिसने उसे और आयुष को जन्म दिया था। ये जानकर वो बेहद भावुक हो जाती है। उसने अपने पूरे सोर्सेस लगा दिए थे कि आखिरी 15 साल पहले आखिर हुआ क्या था, पर उसको उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सारे सबूत मिटा दिए थे पिछले 3 साल से। वो अपनी मॉम को किसने किडनैप किया था, कौन था जो उनको टॉर्चर कर रहा था, उसको ढूंढने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया था। पर वो आदमी बेहद ही शातिर था। अनाया को अब तक उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो कोई छोटा सा क्लू तक नहीं मिला था। आज भी उसके आदमियों का उसको कॉल आया था जिसमें हर बार की तरह उनको कोई सुराग नहीं मिला था, जिस वजह से अनाया काफी अपसेट हो गई थी। इसलिए वो अपनी मॉम के पास आ गई थी, जहां आकर उसको सुकून मिलता था, उसकी समस्या का समाधान उसको चुटकियों में मिलता था। अनाया पिछले 3 साल से अपनी मॉम को हर एक दिन का उसका नित्य नियम बताती थी, आज उसने क्या किया, परिवार के हर एक सदस्य के बारे में बताती थी, साथ में अपने डैड के बारे में भी, जो कि उनकी आज भी बेहद याद करते हैं। उनको उनकी लाइफ के हर के मोड पर उनकी कमी खलती थी, वो किसी को दिखाते नहीं थे। वर अनाया को अपने डैड के हाव भाव से सब पता चलता था। अनाया अपने फोन की आवाज से पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपने फोन पर शो रहे कॉलर आईडी को देखती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अनाया अपनी मॉम से थोड़ा साइड में जाके कॉल रिसीव करती है। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो जाते हैं। वो फोन के दूसरी साइड वाले इंसान से कहती है कि उन तीनों को व्हाइट मैंशन के पीछे वाले सीक्रेट रूम में लेके आओ, मैं कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंचती हूँ। इतना कहकर वो बिना दूसरी तरफ की बातें सुन कॉल कट करके अपनी मॉम को चेक करके उनको दूसरी ड्रिप चढ़ाकर उनको जल्द से होश में आने का कहकर वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद व्हाइट मैंशन के पीछे बने जमीन के नीचे के सीक्रेट रूम में अनाया किसी रानी की तरह ही चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ में गन थी जिसे वो साफ कर रही थी, और उसके ठीक सामने 3 लोगों को चेयर पर बांधा गया था। उन तीनों ने ही व्हाइट मैंशन के गार्ड का यूनिफॉर्म पहना था। अब तो आप समझ ही गए होंगे वो तीन लोग कौन है। वो तीनों और कोई नहीं बल्कि डेविल गैंग के मेंबर्स थे, जो कि अनाया के सिक्योरिटी में घुस गए थे, या यूं कहे अनाया ने जन बचकर उनको अपनी सिक्योरिटी में घुसने दिया था। अब वही 3 लोग उस वक्त जैसे बंधे हुए थे, साथ में उनके चेहरे और डर दिखाई दे रहा था। अनाया के पीछे इस वक्त विवान, रोहन और मारिया खड़ी थी। वो तीनों ही अपने हाथ में पॉपकॉर्न लिए हुए थे। उनके लिए तो आगे उनकी प्यारी अनु, छोटी शैतान जो इन तीनों का हाल करने वाली थी, वो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं था। उन्हीं के पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म में अनाया के गार्ड खड़े थे, जो कि अपने 3 बॉस को ऐसे पॉपकॉर्न पकड़े देखकर अपना सर ना में हिलाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये अब आम बात थी। अनाया अपने हाथ में लिए गन को घुमाते हुए उन तीनों की तरफ अपनी तीखी नजर से देखकर अपनी कोल्ड और डरावनी आवाज में कहती है, तो अब तुम तीनों अपना मुंह खोल रहे हो या फिर मुझे अपना तरीका अपनाना होगा, जो कि तुम लोगों के लिए कतई अच्छा नहीं होगा, तो चलो फटाफट अपना मुंह खोलो। उसकी इतनी कोल्ड और डरावनी आवाज सुनकर उन तीनों की ही हालत खराब हो गई थी। वो तीनों ही इस वक्त डर के मारे काफ रहे थे। उनको अच्छे से पता था अपने सामने बैठी ये छोटी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, जिससे गद्दारी या धोखा करने वालों का वो ऐसा हाल करती थी कि उसको अपने किए पर पछतावा हो कि वो क्यों क्वीन के खिलाफ गया, और गया तो गया, पकड़ा क्यों गया। क्वीन पूरे अंडरवर्ल्ड में अपने टॉर्चर के लिए
फेमस थी उससे गद्दारी करने वालों को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करती थी किसी की भी रूह कांप जाए। वही अनाया की कोल्ड और डरावनी आवाज सुनकर उसके गार्ड और विवान मारिया और रोहन भी एक पल के लिए डर गए थे, पर जल्द ही वो सब अपने आप को संभाल लेते हैं। वही वो तीनों दूसरे को देखते हैं और फिर अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे अगर उन लोगों ने अपने बॉस से गद्दारी की तो उनका बॉस उनको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो वो लोग सोचते ही कि क्वीन ज्यादातर क्या करेगी, उनको टॉर्चर ही करेगी, पर जान से तो नहीं मारेगी, तो वो लोग उसे सहन कर लेंगे। अनाया जब उनकी झुके हुए सर देखती है तो वो समझ जाती है ये तीनों ऐसे अपना मुंह नहीं खोलने वाले, इसलिए वो अपने पास खड़े अपने गार्ड को कुछ इशारा करती है। उसका इशारा समझकर वो गार्ड उस रूम से बाहर चला जाता है। कुछ ही समय में अपने हाथ में एक गर्म पानी की बादली लेके आता है और अनाया के सामने रख देता है। अनाया उन तीनों पर उस बादली को खाली करने का ऑर्डर अपने पास खड़े दूसरे गार्ड को देती है। उन तीनों ने जब अपने सामने रखी हुई गर्म पानी से भरी बकेट देखी और अनाया का ऑर्डर सुना जो वो अपने गार्ड को दे रही थी, जिसे सुनकर वो तीनों बेहद डर गए थे। वो तीनों अनाया से ऐसा न करने की भीख मांग रहे थे, पर अनाया को उनके भीख मांगने से या गिरने से रीति भर का फर्क नहीं पड़ा। गार्ड आगे बढ़कर वो पूरी गर्म पानी की बकेट उन तीनों के ऊपर खाली करता है। गर्म पानी उन तीनों के ऊपर गिरते ही उन तीनों की दर्दनाक चीख उस रूम में गूंजने लगती है। थोड़ी ही देर में उन लोगों के शरीर पर गर्म पानी गिरने से उनकी स्किन रेड हो रही थी, उसमें से अचानक ब्लड निकलने लगता है जो कि किसी पानी की तरह बह रहा था। साथ में उन तीनों को असहनीय पीड़ा हो रही थी। उन तीनों की पीड़ा देखकर उस रूम में मौजूद किसी भी इंसान को अनवर दया नहीं आई, बल्कि वो सब तो अपने सामने का नजारा देखकर खुश हो रहे थे। सबसे ज्यादा खुश तो रोहन, विवान और मारिया थे। वो लोग अपने सामने का नजारा एंजॉय करते हुए पॉपकॉर्न का लुत्फ उठा रहे थे। अनाया ने जो पानी उन तीनों पर डालने को कहा था वो सिर्फ गर्म पानी नहीं था, बल्कि उसमें एक खास तरह का केमिल मिलाया गया, ये जिससे धीरे धीरे इंसान के शरीर में विष फैलने लगता था। उसके बहते खून के साथ ही उसके अंदर के ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और इंसान कुछ ही घंटों बाद बेजान हो जाता है। ये केमिकल खुद अनाया ने इन्वेंट किया था अपने दुश्मनों को तड़पने के लिए, उनको तिल तिल मलने के लिए। बीते वक्त के साथ उस पानी में मौजूद केमिकल का विष उन तीनों के शरीर में फैलने लगता है, जिससे उनको असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनकी चीखें उस पूरे रूम में गूंज रही थी। थोड़ा उनको तड़पने के बाद अनाया अपने एक गार्ड को उनके ऊपर ठंडा पानी डालने को कहती है, जिससे उन तीनों को कुछ पल का आराम मिला ही था कि उनके कान में अनाया की खतरनाक आवाज आई। तो अभी भी तुम तीनों का जवाब वही है या तुम तीनों अपना मुंह खोलने वाले हो? तुम तीनों ये तक कैसे पहुंचे और तुम तीनों को ये बहने का मकसद क्या है? तुम्हारे बॉस का जल्दी जल्दी मुंह खोलो, मेरे सब्र का इंतहाम मत लो। उसकी खतरनाक और अभी उन लोगों ने सह हुआ टॉर्चर जो मौत से बदतर था, उनमें से एक आदमी अपना मुंह खोलते हुए कहता है, मैं बताता हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मैं आगे से फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। ये सब उसने इतना ही कहा था कि उसका साथ उसको चुप कराते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना बॉस से गद्दारी की तो वो हमें की का नहीं छोड़ेंगे। उसने इतना ही कहा था कि पहला वाला इंसान कहता है वो बात का बाद में देख लेंगे, वैसे भी मैं ये टॉर्चर और नहीं सह सकता। उसकी बात पर तीसरा आदमी इससे कहता है, तुम कुछ भी नहीं बताओगे, हम तुम्हें बताने ही नहीं देंगे। उसने इतना ही कहा था कि वहां पर गोली चलने की आवाज आई, लगातार 4 गोली चली। उनके बाद उस कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। अनाया को कब से अपने सामने की 4 लोगों की बकवास सुन रही थी, जब उसे सुना नहीं गया तो वो अपनी हाथ में पकड़ी बंदूक की गोली अपने सामने बैठे हुए 3 लोगों पर चला देती है। उसके बंदूक से 4 गोलियां एक के बाद एक चली थी, जिससे उन तीनों की चीख निकल जाती है। उन तीनों में से जो 2 आदमी अपने साथी को कुछ भी बताने से रोक रहे थे, उनके एक पैर और एक हाथ पर गोली चली
थी जिससे तेजी से खून बहना स्टार्ट हो गया था और साथ में वो दोनों ही दर्द से तड़प कर चीख रहे थे। उनकी चीखों की आवाज सुनकर अनाया के चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कुराहट थी। अनाया का विशुल था, वो बेकसूर को कभी भी हॉट नहीं करती थी, पर जो उससे गद्दारी करता या उसे धोखा देता या उसके रास्ते में आता और खासकर जो गलत काम करता था, उसके लिए अनाया किसी मौत के देवता से कम नहीं थी। बुरे काम करने वाले को इतनी दर्दनाक मौत देती थी कि उसकी साथ पुस्ते तक कांप जाए। अपने साथियों की कंडीशन और उनकी चीखें सुनकर तीसरा आदमी डर से मारे कांपने लगता है। उसकी पहली ही जल्द काफी खराब थी और अभी अपने सामने का नजारा देखकर तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसने डर के अरे अपनी पैंट ही गीली कर दी थी, जिसे देखकर वह मौजूद सभी को उससे गिन आनी लगी। विवान अपना मुंह सुकुड़ते हुए कहता है, जब खुद की इतनी फटती है तो ऐसे गलत काम करते ही क्या हो तुम लोग। इतना कहकर वो अपना मुंह पिचका देता है और पाना पॉपकॉर्न को एंजॉय करने लगता है। अनाया अपने सामने खड़े तीनों को एक नजर देखती है, फिर उस आदमी की तरफ देखती है जो कि सच बताने को तैयार था। उसकी तरफ देखकर वो कहती है, तो अब तुम जल्दी से अपना मुंह खोलोगे कि नहीं, या पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलना पड़ेगा। अनाया की आवाज सुनकर वो डरा हुआ तीसरा आदमी एक बार अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है। दोनों ही दर्द से तड़प रहे थे और अपना सर ना में हिलाकर उसको कुछ भी न बोलने को कहते हैं। अनाया को उन दोनों को देखकर बेहद गुस्सा आ जाता है। उसकी पेंशन लेवल खत्म जो गया था, वो अपनी बंदूक लोड करके उन दोनों के माथे के बीचों बीच गोली चला देती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसे देख तीसरा शख्स और भी डर जाता है, डर के मारे उसकी चीख निकल जाता है। वो अपनी सामने बैठी हुई अनाया को देखता है, को उसको किसी यमराज से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर हुआ देखकर वो अपनी कांपती हुई जुबान के साथ उसको सब सच सच बताने लगता है। क्यों क्यों क्वीन, हमको या यहाँ यहाँ पर हमारे बॉस ने भेजा था। वो किस औरत को 3 साल से खोज रहे हैं, शायद जी ने अपने 3 साल पहले बचाया था, उसी को खोजने के लिए उनने हमें यहाँ पर भेजा था। बॉस को नहीं पता है कि आप क्वीन हो, उन्हें तो बस इतना ही पता है कि आप वो इंसान जो जिसने 3 साल पहले उनके कैद से भागी हुई उस औरत को बचाया है, इसलिए ही हमको ये पर उस बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। इतना कहकर वो आदमी चुप हो जाता है। उसकी कही हुई बात सुनकर अनाया गहरी सोच में पड़ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसके मन में क्या चला रहा है, वो क्या सोच रही है, ये बता पाना मुश्किल था। वही विवान, रोहन और मारिया जो मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे, वो तीनों ही उस आदमी की बात सुनकर उनके पॉपकॉर्न खाते हाथ रुक जाते हैं। वो तीनों ही हैरानी से अनाया की तरफ देखते हैं, जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के एक तक उस आदमी को घूर रही थी। उसे देख मारिया कहती है, अनु उसका मतलब ये तीनों तुम्हारे लिए नहीं आए थे अभी तक। उस डेविल गैंग के लीडर को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, पर उसको ये कैसे पता चला कि तुमने ही उस लेडी को बचाए था, क्योंकि तुम तो बाहर जाते वक्त हमेशा अपना फेस कवर करती हो, और उस दिन का जितना हमें याद है, इस दिन तो तुम सर से लेके पाँव तक ढकी हुई थी। तभी उसे कुछ आता है और वो आगे कहती है, 1 मिनट, इसका मतलब जब तुमने उस औरत को बचाया था और उनको हॉस्पिटल लेके गई थी, तब कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था और उस हॉस्पिटल से ही खबर लीक हुई है। तभी विवान जो मारिया की बात सुन रहा था, वो बोलता है, पर मारिया तुमने एक बात नोटिस की, अनु ने तो जब इंडिया छोड़ा था तो सब सबूत मित्तल फैमिली के बारे में मिटा दिए थे, साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन बेहद ही टाइट सिक्योरिटी में रखी हुई है, और आज तक किसी को भी नहीं पता कि मित्तल परिवार इस वक्त कहाँ पर है। तो डेविल गैंग के लीडर को कैसे पता चला, ये तो सोचने वाली बात है ना। उसकी बात सब सुन रहे थे। तभी रोहन कहता है, अनु एक और बात है, उस लेडी पर तो हॉस्पिटल में किसी ने अटैक किया था, जिससे उनकी सांस तो थम गई थी, डॉक्टर ने उनको मरा हुआ करार कर दिया था, तो ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं, और तो और उनको हमारे बारे में पता कैसे लगा। अगर उस डेविल गैंग के लीडर को मित्तल परिवार ऑस्ट्रेलिया
मैं इस बारे में पता लग गया है, इसका मतलब हमारे दुश्मनों को इस बारे में पता लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोहन की बात सुनकर सबके चेहरे पर परेशानी की लेकर आ गई, पर अनया का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। वो क्या सोच रही है इस बारे में पता लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। थोड़ी ही देर में उस शांत माहौल में अनाया की आवाज उन सबके कानों में पड़ती है, जो कि अपने सामने जैसे बंदे डेविल गैंग के मेंबर से कहती है, उस लेडी से तुम्हारे बॉस का क्या लेना देना है। उसकी बात पर वो इंसान कहता है, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर पिछले 15 साल से वो उनके कैद में थी, पता नहीं बॉस को उनसे क्या दुश्मनी थी। रोज बिचारी को टॉर्चर करते थे, उसको तड़पता देखकर उनको सुकून मिलता था, जो उनके चेहरे को देखकर साफ पता चलता था। पर अचानक 3 साल पहले वो औरत बॉस के कैद से भाग गई, जिसके बाद बॉस उसको पोगलों की तरह ढूंढ रहे हैं। फिर कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, जिस दिन वो बागी थी और तुमने उसे हॉस्पिटल ले गई थी, या वक्त तुम्हारी कर का पीछा बॉस के आदमी कर रहे थे, यूनान तुमको उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हुए देखा था। बॉस को जब पता चला कि उसको बचाने वाली तुम यानी कि मित्तल खानदान की इकलौती बेटी हो, तो उन्हें सच्चाई बाहर आने के डर लगने लगा और उन्होंने अपने आदमियों को उस लेडी को हॉस्पिटल में ही जहर देकर मरने को कहा, और उसमें उनके आदमी सफल भी हो गए थे। पर तुमने उनको पकड़ लिया था और उनको टॉर्चर कराकर उनसे सच जानना चाहा था, पर उन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो तुमने उनको मार डाला। बॉस को जब उस औरत के मरने की खबर मिली तो वो बेहद ज्यादा खुश थे। वहां पर मौजूद हर एक ईशान उस इंसान की बातें बेहद ही ध्यान से सुन रहा था। अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था, पर उसके मन में कुछ चल रहा था जैसा पता किसी को नहीं था। अब जो भी होने वाला था वो बेहद बड़ा होने वाला था। वो बस शांति से अपने सामने चेयर से बंधे हुए इंसान की बातें सुन रही थी, पर पता नहीं उनको एक आम बात कहां से पता चला कि वो लेडी मारी नहीं है, जिंदा है, और उन्होंने उस दिन से अपना बिजनेस ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिया और वो 3 साल से उसको ढूंढ रहे हैं, और उनको 1 महीने पहले ही इस बारे पता चल गया है कि मित्तल फैमिली इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। इस वजह से उनका शक सही ठहरा कि वो लेडी जिसे वो जिंदा समझ रहे हैं वो सच में जिंदा है, क्योंकि मित्तल फैमिली ऑस्ट्रेलिया में होना और उस लेडी की लास्ट लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में ही मिली थी। उसके बाद पता नहीं वो लेडी कहाँ गायब हो गई कि उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। जब मित्तल परिवार कहाँ पर रहता है इस बारे में बॉस को पता चल, तब उन्होंने हमें ये पर भेज दिया उस लेडी के बारे में पता लगाने के लिए, पर हम उसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चला। उसकी बात सुनकर विवान कहता है, लोकेशन तुमने लोकेशन कहा था, इसका मतलब उस लेडी के अंदर ट्रैकर लगाया हुआ है। उसकी बात पर वो इंसान अपना सरहा में हिलाता है। उसकी बात सुनकर अनाया उस इंसान की तरफ देखकर, और कुछ जो तुमको पता है जो तुमको हमें बताना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो इंसान उसकी तरफ देखकर कहता है, बॉस तुम्हारे बेहद करीब है, बचा सकती हो तो बचा लो अपने परिवार को। मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, मैं अब जिंदा नहीं रहने वाला। ये सब मैंने तुमको इसलिए बताया है क्योंकि मुझे आज पता चल कि तुम क्यूवी क्यून हो, जिसकी वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। तुम उसकी आइडियल हो, उसे ये तक पता नहीं कि तुम दिखती कैसे हो, तुम कौन हो, फिर भी वो तुम्हारी तरह बनना चाहती है, इसलिए मैं तुमको सब बता रहा हूँ। डेविल से अपनी फैमिली को बचा लो। उसकी बात सुनकर कि डेविल उनके बेहद करीब है और उससे उनके परिवार को खतरा है, मायरा रोहन और विवान के चेहरे पर परेशानी की लेकर दिखने लगी थी। वही अनाया अब भी एक्सप्रेशनलेस थी। वो अपने बॉडीगार्ड को उस आदमी को मारने को कहकर उस रूम से चली जाती है। उसके वहां से बाहर जाते ही उसके कान में गोलियों की आवाज आती है, जिसका मतलब वो आदमी मर चुका था। अनाया के पूछे ही रोहन, विवान और मायरा उस रूम से बाहर निकलते हैं। अनाया उनसे कहती है कि हमारे सारे आदमियों को अलर्ट कर दो, साथ में मेंशन की सिक्योरिटी टाइट कर दो, उसी के साथ ही एक फैमिली मेंबर की सिक्योरिटी बढ़ा दो, उनको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे।
इतना कहकर वो उस सीक्रेट रूम से व्हाइट मिशन में चली जाती है और वो तीनों भी अपने काम पर लग जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।